नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रशासनिक गुरुकुल के गुरु श्रृंखला में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं सर्वाधिक संभावित प्रश्न जो आपके यूपी पीसीएस में आएंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये जो आपका अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज है उसको एक्सपैंड किया जाएगा। पर्पस क्या है? प्रोवाइडिंग बेटर अर्बन फैसिलिटीज, जो नगर है वहां पे बेहतर व्यवस्था मुहैया कराने के लिए ये राशि आवंटित की गई है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। तो सही जवाब है 550 करोड़। इसको ध्यान में रखें, ये योजना भी आपसे प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिल सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत घरौनी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो घरौनी प्रमाण पत्र है क्या, जो आपका घर है उसका पेपर आपको प्रोवाइड किया गया है, तो इसके अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है और इस लोन से आप स्वरोजगार या कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, धंधा, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हुआ था? ये स्वामित्व स्कीम के थ्रू हुआ था। स्वामित्व स्कीम में ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी यूज किया गया था, ठीक है। और इससे क्या हुआ था, इससे पहले तो जो जमीन है उसका पूरा मैप बनाया गया था और फिर जो जो घर के स्वामी थे उन्हें वो प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, क्योंकि उसके अगेंस्ट उन्हें लोन मिल सकता है। स्वामित्व स्कीम जो है ये सेंटर की स्कीम है, केंद्र सरकार की स्कीम है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेजपुर आसाम से किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गौरैया यूपी पोर्टल निम्नलिखित के लिए बनाया गया है, ये अति संभावित प्रश्न है, ये आपको आ सकता है। तो फिर ये गौरैया पोर्टल है किस चीज के लिए? ये आपका अति संभावित है, आप पॉज करें वीडियो को और इसे नोट डाउन करें। देखिए आपके ऑप्शंस हैं, पीसीएस अधिकारियों की संपत्ति का वितरण, प्रवासी पक्षियों की स्थिति, नवजात कन्या के संबंधित विवरण, डी राज्य में पक्षी के संरक्षण से संभावित सरकारी प्रयास। तो इसका सही जवाब है पीसीएस अधिकारियों की संपत्ति का वितरण। यह हर साल जनवरी में प्रोवाइड करना होगा इस पोर्टल में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, यह भी बहुत ही संभावित सवाल है जो आपको यूपी पीसीएस में देखने के लिए मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ट्रांसजेंडर सेल आवंटित किया गया है? पहला जो ट्रांसजेंडर आपका सेल है, पुलिस चौकी है, ये कहां बन रहा है? तो आपके ऑप्शंस हैं कैसरबाग, कोतवाली लखनऊ, नॉलेज पार्क, पुलिस स्टेशन नोएडा, मोदी नगर कोतवाली गाजियाबाद, अमीनाबाद कोतवाली लखनऊ। सही जवाब है कैसरबाग कोतवाली लखनऊ, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर से जुड़ा हुआ है तो काफी अहम हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन पेपर में इसकी आने की संभावना ज्यादा है। प्रश्न संख्या 5, ईट राइट कार्यक्रम के तहत आवंटित किया जा रहा है भोग सर्टिफिकेट। तो भोग सर्टिफिकेट का मतलब क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए ये किसे प्रोवाइड किया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रेम मंदिर और इस्कॉन की जो मंदिर है मथुरा में, ठीक है, इस्कॉन की जो मंदिर है मथुरा में उसे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको यह प्रश्न आ सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड, ब्लिसफुल हेल्दी ऑफरिंग टू गॉड, ब्लेस्ड हेल्दी ऑफरिंग टू गॉड एंड ब्लेस्ड हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड। तो सही जवाब है ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल में ही उत्तर प्रदेश का महाअधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अजय कुमार मिश्र, बी तुषार मेहता। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है इंडिया के, ठीक है। ललित किशोर कहां के महाअधिवक्ता हैं? ये बिहार के हैं, ठीक है। सतीश चंद्र वर्मा कहां के हैं? ये छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। तो सही जवाब है अजय कुमार मिश्रा, इन्हें हाल में ही महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। नेवा ऐप जो है जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, विधानसभा में पेपरलेस कामकाज के लिए इसे बनाया गया है। तो इसकी पहली शुरुआत किस स्टेट असेंबली ने की, मतलब कौन सा स्टेट असेंबली था जो सबसे पहले पेपरलेस हुआ, मतलब सारे काम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू हुए, टैब्स के थ्रू हुए, सब जो आपके विधायक लोग हैं उन्हें टैब प्रोवाइड कर दिया गया और कोई भी हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई और टैब पर वो सारा चीज देख सकते थे। तो पहला ऑप्शन है आपका हरियाणा, फिर नागालैंड, तमिलनाडु और आसाम। इसका शुरुआत नागालैंड से हुआ और ये काफी न्यूज में था। तो ये चूंकि पहली बार हुआ है कि हम लोग पेपरलेस गए हैं विधानसभा के सारे कार्यकाज को लेकर के, तो ये एक संभावित प्रश्न बनता है आपका यूपीपीसीएस में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। जो आपका बटागुर कछुआ जिसे रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल भी कहते हैं, हाल में ही उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी में छोड़ा गया है? तो सही जवाब है टॉन्स। टॉन्स सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना की, पर यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं कि रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल जो है
इसे कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज के शेड्यूल्ड वन में रखा गया है इस बार, और ये भारत की पहल की वजह से हुआ है। तो शेड्यूल वन में जो होता है उसे मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलता है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन। तो ये एक संभावित प्रश्न आ सकता है यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी। अगला प्रश्न, दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं बाल विवाह के प्रति जागरूकता, बी संचारी रोग मतलब कॉम्युनिकेबल डिजीजेस की रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों को शिक्षित करना, यौन उत्पीड़ना को रोकने के लिए, डी घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान। तो सही जवाब है ये कॉम्युनिकेबल डिजीज के रोकथाम के लिए था, मतलब संचारी रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों को अवेयर कराना था। ठीक है, तो दस्तक अभियान भी एक संभावित प्रश्न हो सकता है यूपी पीसीएस के एग्जाम में। प्रश्न संख्या 10, बखीरा पक्षी अभिरण उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सही जवाब है संत कबीर नगर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रामसर वेटलैंड साइट है। ठीक है, रामसर वेटलैंड साइट 1971 का है। ठीक है, और इस साइट के अंतर्गत वर्तमान में भारत में 75 वेटलैंड्स हुए हैं आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष में। ठीक है, तो रामसर साइट्स जो हैं उसके जो क्राइटेरिया हैं वो भी इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, यूपी पीसीएस के लिए। जो 10 रामसर साइट्स हैं आप उन्हें ध्यान में रखें और बार बार देखें, संभावित प्रश्न ये भी हो सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पर, निम्नलिखित में से किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? सही जवाब है मेरठ। इसमें टोटल 1080 छात्रों के लिए कैपेसिटी वाला विश्वविद्यालय होगा, 540 मेल्स और 540 फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पर, यह भी अति संभावित है क्योंकि ये करंट अफेयर समसामयिकी से ये प्रश्न है, रचनावली पुस्तक किसने लिखी है जिसे विधानमंडल पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित किया गया है? पुस्तक का नाम क्या है रचनावली? आपके ऑप्शंस हैं राम नायक, बी हृदय नारायण दीक्षित, सी दिनेश शर्मा और डी रमेश पोखरियाल। ठीक है, तो सही जवाब है हृदय नारायण दीक्षित। एक और बुक को प्रकाशित किया गया था, वो बुक लिखी गई थी श्री राम नायक जी द्वारा, बुक का नाम था कर्म योद्धा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे विधानमंडल पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, मरीचिका लिली रे द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जो निम्न में से किस बोली में लिखा गया है? देखिए, लिली रे का देहांत हो गया है अभी कुछ दिनों पहले, उन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनकी उपन्यास मरीचिका के लिए। ठीक है, तो इसे किस भाषा में लिखा गया था? भोजपुरी, ब्रज भाषा, मैथिली और बुंदेलखंडी। सही जवाब है मैथिली। तो यह भी एक संभावित प्रश्न हो सकता है आपके यूपी पीसीएस में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है कुंवर मानवेंद्र सिंह। और विधान परिषद में कितने दिनों के लिए कोई नियुक्त होता है? 6 साल के लिए होता है। ठीक है, दूसरा है आपका सतीश महाना, ये स्पीकर है आपके असेंबली के। तीसरा है आपका सुरेश खन्ना जी, ये बहुत लंबे अरसे से एमएलए हैं और आपके कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। डी जितिन प्रसाद, ये भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पे, 15 जो प्रश्न है हमारा ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपके यूपी पीसीएस में आ सकता है। तो आपका सवाल है, हृदय यंत्र दुनिया की सबसे उन्नत कृत्रिम हृदय को विकसित करने के लिए एक बड़ी चुनौती है, किसके द्वारा पहल की गई है? एक तरह का चैलेंज स्टार्ट किया गया है फॉर आर्टिफिशियल हार्ट को बनाने के लिए, तो इसे नाम दिया गया है हृदय यंत्र। तो इसे बनाने की जो पहल की गई है वो आईआईटी कानपुर द्वारा की गई है। ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है, संभावित है, जो आपको आ सकता है। तो इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, हम इसी तरह सीरीज लाते रहेंगे 14 मई के पहले तक, जहां पे हमारी कोशिश होगी कि जो संभावित प्रश्न है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, वो हम आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए हार्दिक धन्यवाद और बने रहें। साथ ही आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, YouTube पे हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।